बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के सामने 4 दिनों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। विस्थापित युवाओं ने बोकारो स्टील प्लांट और प्रशासनिक भवन जाने वाले मुख्य रास्ते को जाम कर रखा है, लेकिन अब तक बोकारो स्टील के अधिकारियों ने उनसे बातचीत की कोई पहल शुरू नहीं की है। हालांकि बोकारो स्टील के एक अधिकारी ने उनसे हड़ताल खत्म करने की बात कही है, लेकिन युवाओं का कहना है कि जब तक नियोजन नहीं मिल जाता तब तक वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर सेल प्रबंधन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो वो अब बोकारो स्टील के अधिकारियों के घर का हुक्का पानी जाम करेंगे। साल 2018 में बोकारो स्टील के द्वारा विस्थापित बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दिलाई गई थी, लेकिन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आज तक ये युवा नियोजन की मांग ही करते रह गए। ये लगातार हम लोग आज का चौथा दिन है, बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ अपनी जायज मांगों को लेकर बैठा है। बोकारो स्टील प्रबंधन ने विस्थापितों को वन फैमिली वन मेंबर कह के अप्रेंटिसशिप कराया था, और अप्रेंटिसशिप कराने के बाद आज किसी भी तरह की कोई पहल नहीं कर रही है। आज लगातार हमारा चौथा दिन है। अगर प्रशासनिक भवन के सामने हम लोग बैठे हैं, प्रबंधन हमारी बातों को नहीं मानता है, तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और हम इस आंदोलन को किसान आंदोलन की तर्ज पर BSL के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो विस्थापितों का भला नहीं चाहते हैं, जो विस्थापित विरोधी हैं, उनके घर पर इस आंदोलन को हम लोग खत्म करेंगे और उन्हें बोकारो से खदेड़ने का काम करेंगे। देखिए, इसमें हम ऑथराइज नहीं, बार बार आपको बोल रहे हैं, उनको 13 तारीख से ही बोला जा रहा है, कंटिन्यूस समझाया जा रहा है कि बैठिए, इस तरह की गतिविधि अवरोध मत कीजिए, बात करने के लिए तैयार हैं, सारे लोग तैयार हैं, सारा चीज़ उनका इश्यू में क्या क्या डेवलपमेंट है सारा कुछ बताया जाएगा, लेकिन वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं, तो इसमें हम लोग क्या और बोल सकते हैं। उनको 4 दिन नहीं, उनको पहला घंटा से ही समझा रहे हैं कि इस तरह से आप मत बैठिए, दूसरे को भी मत तकलीफ दीजिए, अपने भी तकलीफ में मत रहिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।